हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने व्यूडू में मल्टीपल एड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहाँ पे अपने चैनल में जाएंगे, यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने वीडियो पर मल्टीपल एड लगाकर अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो जो 8 मिनट का जो वीडियो है उससे जो नीचे वीडियो होती है 8 मिनट से कम वीडियो होती है तो उस पर मल्टीपल एड नहीं लग सकते। जो वीडियो 8 मिनट से ऊपर की होती है उस पर मल्टीपल एड आप लगा सकते हैं, जहां भी चाहे एड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे कर देता हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको। ये वीडियो 8 मिनट से ज्यादा की है तो इसलिए इस पर हम मल्टीपल एड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको सेम ही रहने देता हूँ, सिर्फ आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से इनको मल्टीपल एड लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आना है, इसको ऑन करना है, इसको डन करना है। तो यहाँ पे मैं प्लेस एड ड्यूरिंग वीडियो मिटर, यहाँ पे बात समझने वाली है, इन वीडियो लॉन्गर देन 8 मिनट्स मिटर विल बी प्लेस्ड एट नेचुरल ब्रेक पॉइंट, यू कैन रिव्यू एंड एडजस्ट द प्लेसमेंट आफ्टर द वीडियो हैज फिनिश्ड प्रोसेसिंग। आप यहाँ पे इसको रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीपल एड लगाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो के जो पहले एड लगता है वो खुद बहुत लग जाता है, आपने वीडियो के फर्स्ट में एड नहीं लगाना। आप यहाँ इसको प्लस करेंगे, ये देखे हमारा एक एड लग चुका है। हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, इसको सॉरी एड को थोड़ा इधर से करेंगे। ये हमारा 1 मिनट पे लग चुका है, तो फिर एक और हम ऐड करेंगे इधर से, इस साइड को जो है ना इसको थोड़ा सा इधर करेंगे। ये एड जो है ना आप 2-2 मिनट के वक्फे पर, 3-3 मिनट के वक्फे पर आप लगा सकते हैं, या आप जिस भी पॉइंट पर लगाना चाहते हैं उस पॉइंट पर आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2-2 मिनट के बाद लगाएं, फिर से एक एड लगाएंगे। यहाँ पे एक एड लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक एड लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक एड लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एड हम लगाए हैं, एक फर्स्ट में और एक एंड में, 8 एड कुल लग चुके हैं। यानी कि आप एक नेगेटिव में पहला जो एड है 1 मिनट 33 सेकंड, दूसरा जो एड है वो 3 मिनट 54 सेकंड, और तीसरा जो एड है 5 मिनट पे, चौथा 8 मिनट पे, पांचवा 10 मिनट पे, और छठा 12 मिनट, मतलब 13 मिनट भी लग चुका है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हमारी एड लग चुकी है, तो हम इसको इधर से कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये आपसे अभी हमारी जो एड ना वो सब लग चुके हैं, अभी आप नेक्स्ट करेंगे, ये देखे हमारा सब एड लग चुके हैं, तो हम इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। तो इसको यहाँ पे इसको नन ऑफ अबव करेंगे, यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, सॉरी हमने यहाँ सबमिट रेटिंग करनी है, ये रेटिंग हमने सबमिट की ही नहीं है तो फिर वीडियो आगे कैसे जाएगा। तो दोस्तों हम उसको सबमिट करेंगे। इसी तरह से आप अपने वीडियो पे मल्टीपल एड लगा सकते हैं। मल्टीपल एड लगाने का फायदा ये है कि आपकी अर्निंग, जब पहले से 2 एड चल रहे ऑटोमेटिक तो फिर वो 4 या 6 या 8 एड आप लगा सकते हैं, लेकिन जो आप एड लगा रहे हैं जरूरी नहीं है कि जो आप जिस जगह पर एड लगा रहे हैं वो 8 के 8 एड या 6 के 6 एड चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जिन जिन पॉइंट पे आपने एड लगाई है उन पॉइंट पे एड चलेंगे, लेकिन चलेंगे तरतीब से चलेंगे। जब यूट्यूब देखेगा कि 8 मिनट पे चलाना है, 6 मिनट पे चलाना है, लेकिन चलते जरूर है आपके। यहाँ पे आप टाइमर सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइमर वो देखेगा भी आपके जो है ना एड चलने शुरू हो गया था, ये तो ये हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपने वीडियो में मल्टीपल एड लगा के अपने